ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता कि जब भारत में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड ना आए या फिर एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ना आए। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं टीवी नाइन नेटवर्क और आज गोदावरी इलेक्ट्रिक ने अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में पेश कर दिया। इसका नाम ई ब्लू है। ये रहा वो इलेक्ट्रिक स्कूटर, कैसा दिखता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, आइए आपको दिखाते हैं। वॉक अराउंड दे देंगे छोटा सा, शुरुआत करेंगे फ्रंट के साथ। अगर आप आगे से देंगे स्कूटर को तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही ओल्ड स्कूल हेडलैम्प देखने को मिलता है। ये LED में हेडलैम्प यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ ही साथ यह जो पूरी पूरी बॉडी है यहाँ पर भी बहुत क्लीनलीनेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर दो कैरेक्टर लाइन्स ही बनाई गई है और ये फाइबर बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी है। इधर आपको गोदावरी की एक बैजिंग दिख जाती है और हैलोजन इंडिकेटर्स लगाए गए हैं फ्रंट में। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 12 इंच के टायर्स देखने को मिलते हैं। आगे अलॉयज हैं और पीछे शीट मेटल का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो कंप्लायंट है शीट मेटल, मतलब उसके अंदर आपको ऐसा नहीं किसी भी तरह की वीकनेस नजर आएगी। और आगे पीछे दोनों में CBS डिस्क ब्रेक्स लगाई गई है और टायर का भी साइज डिसेंट है। अलॉय व्हील का डिज़ाइन वो टिपिकल EV वाला अलॉय व्हील का डिज़ाइन है और आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। आइए चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में और इधर आ जाओ पहले ऊपर। साइड में आने से पहले ये जो स्क्रीन है ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर है। इसके अंदर कनेक्टेड फीचर्स भी आते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन भी देगा, टर्न बाय टर्न नेविगेशन देगा। अगर आपको राइट मुड़ना है तो यहाँ पर एक लाइट जलती है राइट की, इधर लेफ्ट की लाइट जल जाती है। जैसे स्टैंड लगा होगा तो उसका भी यहाँ पर मार्किंग आ जाएगी और भी सारी जानकारियाँ हैं जो इसके अंदर आती रहती है। ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा, फ़ोन आएगा तो स्क्रीन के ऊपर ही आपको पता लग जाएगा कि फ़ोन वगैरह आ रहा है। तो कुछ इस तरह से कनेक्टेड स्क्रीन है। एक ऐप आती है ई ब्लू फियो की, ई ब्लू की आप जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके स्कूटर कहाँ खड़े हैं। यहाँ पर भी बटन की क्वालिटी ठीक ठाक है, डिसेंट है। यहाँ पर मुझे लग रहा है हल्की सी फिनिशिंग की और दरकार है क्योंकि ये इनका पायलट प्रोडक्ट है, सो इसके अंदर फिनिशिंग और बेहतर होगी। बट अभी जो फिनिशिंग है वो कुछ बहुत ज़्यादा लाजवाब नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि फाइनल प्रोडक्ट जब आएगा तो फिनिशिंग ठीक हो जाएगी। हैंडल बार है, उसका साइज भी ठीक है और यहाँ पर आपको दो OR बीम्स दिए गए हैं। इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस है, इधर आप फ़ोन रख सकते हो, कुछ भी चीज़ रख लो। और इधर जो ऐसे पुराने ज़माने में चेतक में आता था कुक, वैसा हुक है। और इधर भी है जो फुट रेस्ट है, ये काफ़ी ठीक ठाक सा साइज़ है। मतलब गोदावरी इलेक्ट्रिक कह रहा है कि इसके ऊपर आप सिलेंडर वगैरह रख सकते हो, कितना भी सामान रख लो, तो वो आपको यहीं पर रखना पड़ेगा क्योंकि सीट के नीचे कोई जगह नहीं मिलेगी। अब हैंडल के बारे में बात होगी, बात करते हैं सीट की तरफ। सैडल हाइट जो है, यानी कि जो सीट की हाइट है वो 770 mm है, विच इज़ फाइन। अगर मेरी हाइट 5'9" है, अगर मैं ऊपर बैठ जाऊँ तो मेरे पैर जो है वो पूरा आ रहा है। तो जैसे कह रहे हैं कि भाई फैमिली स्कूटर है, बड़े बुजुर्ग भी चला सकते हैं, बच्चे भी, तो आई थिंक चला लेंगे, इतनी परेशानी यहाँ पर होगी नहीं। और ऊपर भी पैर रखने की अच्छी जगह है और यहाँ पर भी देखो, अगर मैं पूरे पैर रखता हूँ तो ये जो नी रूम है ना, ये अच्छा नी रूम मिलता है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एक चीज़ है जो कि बैठने में ठीक है। सीटिंग जो है वो भी कंफर्टेबल है, ऐसी परेशानी नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि मैं एक लंबी दूरी का सफ़र, यानी कि जो स्कूटर वाली लंबी दूरी होती है, गाड़ी वाली लंबी दूरी की बात नहीं कर रहा, वो तय किया जा सकता है। चलिए अब इससे उतरते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। सीट के अंदर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीट के अंदर एक बैटरी है और ये इस बैटरी का जो साइज़ है ये है 2.5 kW। ये रिमूवेबल बैटरी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं सजेस्ट करते कि आप इस बैटरी को रिमूव करें, इसको आप अंदर ही लगे रहने दें। 2.52 kW की बैटरी है, पीक पावर इसमें से 2.7 kW आता है और पीक टॉक 110 nm का आता है। बैटरी रिमूवेबल है, लेकिन गोदावरी इलेक्ट्रिक कहता है कि नहीं भाई, निकालना मत, अंदर ही रहने दो, ठीक रहेगा। अब इसकी वजह से क्या है कि आपको अंडर सीट स्टोरेज नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक MCB है जो कि कट ऑफ करने के लिए है, इससे ऑफ और ऑन हो जाता है। और इस बैटरी के साथ थर्मल सेंसिंग के लिए सेंसर्स भी लगाए गए हैं, तो अगर बैटरी का टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो बैटरी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी, पहले आपको वार्निंग आएगी, फिर स्कूटर रुक जाएगा और ये सब चीज़ें होती हैं। फेम के साथ कंप्लायंस अभी इनका हो रहा है और हो जाएगा, इन्होंने सब कुछ अप्लाई कर रखा है। सब्सिडी भी इसके ऊपर मिलनी शुरू हो जाएगी। और अब इसी बात पे पीछे की तरफ आ जाते हैं। रियर प्रोफाइल अगर आप देखें तो क्यूट सा है, ऐसी परेशानी नहीं है उसके अंदर भी। LED टेल लैम्प्स हैं और हैलोजन इंडिकेटर्स पीछे लगाए गए हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की जगह दी है और पीछे हब मोटर लगी है यहाँ पर, तो पिछले टायर में हब है इसलिए 110 nm का टॉर्क मिलता है, इसमें अच्छा खासा टॉर्क आ जाता है, उसकी परेशानी नहीं आएगी आपको चलाने में, मतलब मज़ा आएगा। फन टू ड्राइव एलिमेंट इसके अंदर रहेगा। और बाकी बात करें इसकी टॉप स्पीड की, तो 60 km/h की टॉप स्पीड है, 110 km चलती है एक चार्ज में, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है इसके अंदर। डायमेंशंस के बारे में बात करें तो व्हील बेस 1345 mm का है, ओवरऑल विड्थ इसकी 690 mm की है, ओवरऑल लेंथ इसकी 1850 mm की है, ओवरऑल हाइट इसकी 1140 mm की है, और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है, जो कि थोड़ा सा निराशाजनक है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस पर स्कूटर लग सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका व्हील बेस काफ़ी लंबा चौड़ा है। और अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। मात्र 99,999 रुपये, 1,00,000 रुपये में 1 रुपया कम, आप उसकी एल्पनलीबे टॉफी भी ले सकते हैं। तो 1,00,000 रुपये में ये स्कूटर आपको मिल जाएगा और जल्दी ये मार्केट के अंदर आपको
दिखाई दे जाएगा। आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है, नहीं लग रहा है, सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारी वेबसाइट www.trenddesign.com को जाकर फॉलो करें, वहाँ पे हम आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लेकर आते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंड डिज़ाइन को भी सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करो, ये सारे जितने भी डिजिटल के रीति रिवाज हैं ये पूरे करते रहा करो। भाई कमेंट करके बताना कि आपको स्कूटर कैसा लग रहा है, इसका भविष्य कैसा लग रहा है। नई कंपनी है, भारतीय कंपनी है, स्कूटर को 90% भारतीय सामान के साथ तैयार किया गया है, तो आपको लग रहा है बात दूर तक लग जाएगी या गुड़गांव तक रह जाएगी, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। बाकी जब भी स्कूटर चलाएं हेलमेट जरूर लगाएं, कोई भी टू व्हीलर चलाएं, स्कूटर बाइक साइकिल हेलमेट लगा लिया करो, अच्छे रहोगे, जिंदा रहोगे। जय हिंद।